क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्व टू पाई, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप देखो क्या करते हैं। पहले ये पहचानना होगा कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या देखना होता है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इक्वल साइन है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में अगर एक्स और वाई वाला टर्म होता है तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन थ्रू द इम्प्लिसिट फंक्शन करते हैं। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करने हैं तो देखो सिंबल हम ऐसे लिखेंगे, डैश कॉस एक्स वाई होल डैश इक्वल्स टू पाई का डैश। अगर यहाँ पे देखो तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें सबसे पहले पावर दिखाई दे रहा है, पावर को डिफरेंशिएट, एक्चुअली ये क्या होता है, साइन स्क्वायर अगर आपने वाई लिखा है तो इसका मतलब होता है साइन वाई की पावर टू, ये दोनों सेम है। तो ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट पावर के बाहर क्या दिखाई दे रहा है, पावर दिखाई दे रहा है। तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर कैसे डिफरेंशिएट होता है, इस पावर को हम बाहर लाते हैं टू साइन, इस पर पावर रिड्यूस कर देते हैं, टू साइन वाई हो गया, पावर को डिफरेंशिएट कर दिया। अब पावर को बंद करते हैं, पावर को अगर बंद करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, साइन, साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस वाई। अब ये दोनों हो गए, पावर और साइन दोनों हो गए, दोनों को बंद करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, वाई, वाई का क्या होता है, डेरिवेटिव वाई डैश, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, प्लस साइन है, प्लस साइन दे दो। इसमें डिफरेंशिएट करते समय देखो कॉस का एंगल चेंज है, कॉस का एंगल जब एक्स में होता है तो हम उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पे कॉस का एंगल चेंज है तो हम पहले कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे बाई चेन रूल। तो कॉस का क्या हो रहा है, माइनस साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कॉस का हो गया, जो यहाँ पे एंगल होगा वही एंगल होगा। अब इसको बंद कर दिया, अब क्या दिखाई दे रहा है, एक्स इंटू वाई। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें लगना है प्रोडक्ट रूल, ब्रैकेट देते हैं, एक्स को डिफरेंशिएट किया वाई को छोड़ दिया, प्लस वाई को डिफरेंशिएट किया एक्स को छोड़ दिया, और इक्वल दिया हुआ है, इक्वल देंगे, पाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, हमने ज़ीरो दे दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट करने के लिए हम कुछ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा साइन टू वाई इंटू वाई डैश, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन एक्स वाई, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, दिस इज वाई, और ये हो गया वाई डैश एक्स इक्वल ज़ीरो। अब देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, वाई डैश निकालना है, तो जितने वाई डैश आपको दिख रहे हैं उन सबको एक जगह रखो, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो साइन टू वाई इंटू वाई डैश माइनस साइन एक्स वाई, इस वाई को बाहर लिख लो, ठीक है, माइनस प्लस माइनस एक्स वाई डैश साइन एक्स वाई इक्वल ज़ीरो हो गया। अब इस वाले टर्म को इधर लाएंगे क्योंकि वाई डैश वाले को एक जगह रखना है, तो इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे, इसमें से वाई डैश बाहर निकाल लिया, ये हो गया साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमने क्या किया, वाई डैश को बाहर निकाल लिया, तो इन दोनों से जब वाई डैश को बाहर निकाला तो यहाँ पे बच गया साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई, ठीक है बच्चों, ये आया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, वाई डैश की वैल्यू निकालना है, तो वाई डैश की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम इधर डिवाइड में लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये वाई है साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई, ये हो गया इसका आंसर।